गाइस देख रहे हो कि बंदा बेचारा बैठा पड़ा है, शायद ये हो हम लोग सकता है का लोड है, R15 लोड है शायद। तो हम लोग अभी रिंग रोड में आ गए हैं यहाँ पे, और अभी हम लोग जा रहे हैं रिमिक्स वाटरफॉल, वहीं पे आज पिकनिक सेलिब्रेट करेंगे। तो आज वैसे क्या बोलते हैं, आज मकर संक्रांति है, तो उसी के सुबह से हम लोग जा रहे हैं घूमने। मतलब मौसम काफ़ी ठंडा है, पर मज़ा आएगा, मौसम ठंड होने से और मज़ा आता है। और ये देखो फ्लाइट जा रही है, ये रोड में ही रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं कुछ खाने के लिए, तो खाने के बाद उधर निकलेंगे रिमिक्स वाटरफॉल की तरफ। तो अभी पीछे से आ रहा है खाना लेकर अविनाश और बाकी लोग हैं इनके साथ, मतलब हमारे साथ बहुत सारे 12 लोग जाएंगे पिकनिक सेलिब्रेट करने। तो आ रहा है, तुलसी का वेट कर रहे हैं, चलो कुछ लेकर आ जाता है तो खा भी लेते हैं। तो ये सीन देख लो कितना सही लग रहा है यहाँ पे, पूरा भयानक वाला सीन है, मतलब मूवी टाइप का सीन लग रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ से आई थिंक 11 किलोमीटर होगा दूर वाटरफॉल, तो चलते हैं वहीं पे। और यहाँ पे अभी बहुत सारे टूरिस्ट भी आ रहे हैं, मतलब अभी तो न्यू ईयर का सीन भी चल रहा है, इसलिए बहुत सारा टूरिस्ट लोग, मतलब बहुत सारा वहाँ पे टूरिस्ट लोग आकर पिकनिक सेलिब्रेट कर रहा है, वही हम भी करने जा रहे हैं आज। आप दिखा के चल गए नहीं? क्या जी, गाड़ी में दिखा के चल गए नहीं? दिखा। ओह, तो अभी चलते हैं, लेट्स सी कैसा रहता है हम लोग का सफ़र। तो हम लोग फाइनली वाटरफॉल पर पहुँच गए हैं, टिकट कटवा लीजिए यहाँ गाड़ी का पार्किंग का, आगे में है फॉल हमारा। चलो देखते कैसा सीन है। बीस रुपये का टिकट कटाना पड़ेगा आपको अंदर आने के लिए, मतलब पार्किंग टिकट। तो अभी हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिए हैं, वैली काफ़ी ख़तरनाक था यहाँ पे। ये हमारी गाड़ी है यहाँ पे, ये सारा गाड़ी पार्क हो चुका है, और मैं आपको वाटरफॉल दिखाता हूँ यहाँ पे। ये मतलब एक तरह का दसम फॉल का ही पार्ट निकला हुआ है यहाँ पे। तो अभी हम लोग नीचे जाएंगे, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नीचे में क्या सीन है। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे पिकनिक के लिए कहीं पे कैंप लगाएंगे, चलो चलते हैं। और मैं तो यहाँ पे नहाऊंगा पहले, ठंड पानी होने के बाद भी नहाने का अलग मज़ा है, और मौसम भी आज अलग ही है लेवल का, देख लो बादल, मतलब मौसम न ज़्यादा ठंडा है न ज़्यादा गर्मी लग रहा है, सही है। पर हमारे लेजेंड लोग पानी वानी लेके तैयार है, बहुत बढ़िया नहीं लग रहा लेकिन ये वाइब वाइब, ओ भाई वाइब। चलो चलते हैं, कहाँ पे कैंप लगाना है उसको भी देखना होगा, कैंप मतलब पिकनिक कैंप। यहाँ पे देख लो छोटे मोटे दुकान भी हैं, कुछ ना कुछ खाने पीने का मिल ही जाएगा आपको यहाँ पे। और अभी भीड़ बहुत चल रहा है यहाँ पे, आई थिंक न्यू ईयर का सीज़न की वजह से। यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा ओवरव्यू, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट भी बहुत सारे आए हुए हैं, देख रहे हो यहाँ पे मेला लगा पड़ा है आज चारों तरफ। और अभी हम लोग को खोजना है कि हम लोग कहाँ पे अपना टेंट लगाएं पिकनिक के लिए, कहाँ पे हमें रहना है उसका लोकेशन खोज रहे हैं हम लोग अभी। तो यहाँ पे अलग ही तरह का माहौल बना पड़ा है अभी, मतलब देख रहे हो कि चारों तरफ म्यूजिक, चारों तरफ शोरगुल है, पूरा न्यू ईयर वाला सीन है पूरा, मतलब न्यू ईयर है तो वही होगा, मतलब हर जगह चल रहा है सीन पार्टी। यहाँ पे देखो उधर भी आपको दिख रहा होगा, इधर 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 एवरीवेयर, एज यू कैन सी एवरीवेयर पार्टी चल रहा है चारों तरफ। और बस हम लोग खोज रहे कहाँ पे हम लोग को जाना होगा, इसके बाद मैं नहाऊंगा सबसे पहले, मतलब वाटरफॉल में नहाने का अलग ही मज़ा है। यहाँ पे हम लोग साइड में अपना मतलब अलग लगा लिए सेटअप पिकनिक का, बाकी उधर देख रहे हो उधर सारा जगह बुक हो चुका है, मतलब सुबह से ही लोग आके बुक कर लिए हैं हर जगह पे।
मज़ा, पिकनिक का सीन चल रहा है इधर। तो अभी हम लोग बाहर निकल गए हैं और हम लोग जा रहे हैं खोजने की कहाँ पे हम लोग को नहाने के लिए अच्छा लोकेशन मिलेगा। फिलहाल तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब पीने खाने वाले पूरा लोग आए हुए हैं यहाँ पे। दिखाता हूँ मैं ओवरव्यू में, ओवरव्यू मैं आपको दिखा दूंगा लगभग लोग कैसे यहाँ पे हैं। अभी खाने तो हम लोग भी आए हैं, मतलब खाने तो हम लोग भी आए, लेकिन हम लोग पीने वाले नहीं हैं इसलिए हम लोग पीते नहीं हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि आज पिकनिक की वजह से पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग कचरा बहुत फैला रहे हैं इस जगह को, मतलब कचरा बना दिए इस जगह को। ये गलत बात है, कोई भी पिकनिक करो यहाँ पे तो कचरा मत फैलाओ, ले कर चले जाओ। एनीवे चलो देखो क्या सीन है इधर, पूरा चारों तरफ रंगीन माहौल है। हाँ हाँ चलिए इधर इधर चलते हैं। तो यहाँ पे भोजपुरी नागपुरी सब गाना चल रहा है इधर, सीन पूरा। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, अभी तो स्टार्ट ही है, लेट्स सी देखो आगे क्या होता है। पूरा यार मतलब क्या बोलते हैं कि जो समुंदर के किनारे रहता है ना वैसा वाला फील दे रहा है आज के दिन। यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ है कि बीच वाला है, मतलब फील दे रहा है बीच के किनारे वाला। आपको चारों तरफ लोग दिख रहे होंगे सारे जगह पे, चारों तरफ सब कैंपिंग लगाया होगा अपना कैंप। ज़्यादा ठंडा है क्या, देख लो यहाँ पे। और यहाँ वॉलीबॉल भी खेला जा रहा है पानी में, इधर फोटो भी लिया जा रहा है, मतलब सीन अलग ही लेवल का है यहाँ पे। तो हम लोग भी यहाँ पे आएंगे कुछ देर में, बस खाना वाना सेटअप कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे तुरंत। तो अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, तो अभी हम लोग को लोकेशन मिला, एक स्विमिंग पूल टाइप का लोकेशन है, बट वो स्पेशली तैरने वालों के लिए सही है, और मुझे तो आता नहीं है तैरने, तो मैं इधर रिस्क लूँगा नहीं, क्योंकि इधर में बहुत ही कहीं बहुत ज़्यादा गड्ढा है, देख रहे हो कितना ख़तरनाक दिख रहा है, और पानी फुली ट्रांसपेरेंट है चारों तरफ। चलो अब फिर चलते हैं पिकनिक वाले ही जगह पर जहाँ पर हम लोग पिकनिक मना रहे हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं नहाने के लिए, वाटरफॉल में जाके नहाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, बस वेट कर रहे हैं कि कब हम लोग को मौका मिले और हम लोग निकल जाए उधर। एक्साइटेड है ना, आप भी चढ़ गया क्या, आपको पानी से ही चढ़ जा रहा है। बस हम लोग अभी निकलेंगे, वेट ही कर रहे हैं भाई, नहाने का अलग मज़ा है वाटरफॉल में। तो मैं आपको अभी बिरयानी बनाने, मतलब बिरयानी कैसे बन रहा है दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए पूरा भैया देसी स्टाइल में, पूरा देसी नहीं इसको प्रोफेशनल बोलेंगे, पूरा प्रोफेशनल स्टाइल में बन रहा है। इसके ऊपर क्या बोलते हैं अंगार को रखा गया है ताकि दोनों तरफ से क्या हो, ऊपर से भी चावल है ना ऊपर पे तो वो सीझेगा बोलते हैं। अच्छा मतलब दोनों तरफ से पकेगा ना, ये बेक हो जाएगा, सही है। हम लोग का रेडी होने वाला है दम बिरयानी। हाँ बस रेडी होने के बाद सब लोग यहाँ थक गए हैं नहा के, नहाने में तो काफ़ी मज़ा आया, आया कि नहीं मज़ा नहाने में। तो नहाने में काफ़ी मज़ा आया क्योंकि पानी कुछ ज़्यादा ही ठंडा था, और ठंडा पानी में नहाने का अलग ही मज़ा है। तो अभी बस वेट कर रहा है सब लोग, उसके बाद बिरयानी चलेगा दम बिरयानी। तो यहाँ पे हमारा बिरयानी रेडी हो चुका है, अब भैया बनाया है मस्त टेस्टी वाला। यहाँ पे भी देख लो, ये हैं सेफ साहब, यही बनाया, कैसे ठीक बनाया ना, पूछ लीजिए। यहाँ पे चल रहा है, बाकी और लोग हैं वहाँ पे आ रहे हैं सारे लोग, तो ये टेस्टी लग रहा है देख के ही, चलो अब खाते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे पिकनिक ख़त्म हो गया, बाकी लोग अभी आएंगे, हम लोग अभी निकल जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को कहीं जाना है, इसलिए हम लोग निकल जा रहे हैं। आज का यही था सीन, पिकनिक काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में,
फिलहाल देख लो साथ जाहिर है ऑलमोस्ट लोग, क्योंकि शाम हो चुका है, आई थिंक 4:30 बज गए हैं। तो चलो आपसे मिलता हूँ मैं अगले व्लॉग में। बाय।